हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 10 के विषय गणित के इकाई 4 के, जो कि हमारा क्या है, त्रिकोणमिति है। यह आपके एग्जाम में 11 मार्क्स की आएगी। अब इस त्रिकोणमिति में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है, एक तो चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति अनुपात, फिर चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति सर्वसमिकाई, फिर चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी। ये तीनों चैप्टर हमारे किससे रिलेटेड है, इकाई 4 से, जो कि हमारे क्या है, त्रिकोणमिति है। इसमें आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति क्या होती है इसकी बेसिक जानकारी सीखेंगे, क्योंकि जो गणित है वो हमारा एक ऐसा विषय है जिसमें आप कोई सी भी एक्सरसाइज यदि शुरू करते हो तो सबसे पहले आप उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो उसकी बेसिक जानकारी होती है वो यदि आप सीख कर उसको करते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आती है, फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम त्रिकोणमिति अनुपात शुरू करने से पहले हम क्या, त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी है उसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या होती है, गणित की वे शाखा जिसमें किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मध्य संबंध को बताती है, उसी हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है, गणित की वे शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोण के मध्य क्या बताए, संबंध बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति क्या होती है, ये तीन शब्दों से मिलकर बनी, त्रि कोण और मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब उसका जो एंगल, और मिति का मतलब क्या होता है, मापना। तो यानी जिसमें तीन भुजाओं और कोणों को मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब जो त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे लगभग समकोण त्रिभुज पे बेस है। ये जो पूरी त्रिकोणमिति है वो किस पर बेस है, समकोण त्रिभुज पे। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पर कोण भी बराबर, यहाँ पर क्या लिया मैंने, 90 डिग्री। परिभाषा क्या कहती है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमारे समकोण त्रिभुज की परिभाषा होगी। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पर थीटा। थीटा एक क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, कोण। यहाँ पर मैं चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात करने से पहले हम यहाँ बात करते हैं थीटा की। थीटा क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, कोण। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या हो गया, कोण। अब हम बात करते हैं, दो हमारे पास ट्राइंगल है तो दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। एक तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी भी मेरे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। यदि मैं कोण सी बराबर, कोण सी बराबर क्या ले लूँ, थीटा ले लूँ। जो कोण सी है उसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। इसको मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो आपको याद रखना है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण, जिसको मैं के लिख देता हूँ। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ही थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब, जिसको क्या लिख दे, ए लिख दे। और थीटा के साथ वाली जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, थीटा के साथ वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, आधार, जिसको मैं क्या लिखूं, ए लिखूं। ये तो हो गया त्रिभुज एबीसी में मैंने सी कोण सी बराबर क्या लिया, थीटा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब। और थीटा के जो साथ वाली भुजा होगी वो उसके क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। इसी प्रकार एक दूसरे त्रिभुज एबीसी की हम बात करते हैं, इस बार मैंने कोण ए बराबर मान लिया कि क्या है, थीटा है। इस बार कोण ए को क्या माना, थीटा।
कोण ए को मैंने ले लिया थीटा, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। इसको मैंने के लिख दिया थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। जिसको हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। इसी प्रकार थीटा के साथ वाली जो भुजा होगी वो इसका क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। जिसको हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। दोनों त्रिभुज में आपको समझ में आया? यहाँ थीटा लेके, क्योंकि हमारे को जो त्रिकोणमितीय अनुपात देगा उसमें कभी वैसे बोलेगी कि साइन सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, या फिर कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे को ये दोनों ट्राइंगल अच्छे से समझना है। जब कोण सी बराबर मैंने थीटा माना तो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, और थीटा के साथ वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। इसी प्रकार दूसरे जो त्रिभुज है एबीसी, उसमें कोण ए बराबर मैंने क्या ले लिया? थीटा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, केवल आधार और लंब चेंज होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और थीटा के साथ वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये जो हमारे को छह टर्म दी गई है, इन्हीं टर्म को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हो सकता है, जैसे ट्राइंगल दे रखा हमारे को ए बी सी, इनकी भुजाओं का अनुपात हो सकता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। इन्हीं को हम जो क्षेत्र में इन्हीं को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए आपको क्या है? एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? लाल बटा कब का। इससे आपको क्या करना है, ये जो छह टर्म है उसको इसी सीक्वेंस में लिख लेना है। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, इधर से कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सबसे पहले हम आपको क्या करना, ऊपर से नीचे की ओर आना, फिर जब हम कोट लिखेंगे तो क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर। कहने का मतलब जब साइन थीटा लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे, और इसी प्रकार यदि हम कोट निकालेंगे तो आधार बटा क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे। यहाँ पर जो एल है इसका मतलब हो गया लंब, जो के है हमारे पास उसका मीन्स क्या हो गया? कर्ण, और जो ए है इसका मतलब क्या हो गया? आधार। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा का मतलब क्या होता है? एल बटा के। साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? एल बटा के। एल का मतलब लंब, और के का मतलब क्या हो गया? कर्ण। तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा का मतलब ए बटा के। ए का मतलब क्या होता है? आधार, और के का मतलब क्या होता है? कर्ण। तो कोस थीटा का मतलब क्या हो गया? आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा का मतलब एल अपॉन ए, एल का मतलब लंब, और ए का मतलब क्या हो गया? आधार। तो टेन थीटा का मतलब क्या हो गया? लंब बटा आधार। अब कोण को जब हम लिखेंगे तो ए बटा एल लिखेंगे, यानी ये वाली ऊपर आएगी और ये कहाँ आएगा? नीचे की ओर। तो कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब। इसी प्रकार सेक थीटा लिखेंगे तो के बटा ए, मतलब कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार कोसेक थीटा लिखेंगे तो के बटा एल, के बटा एल, तो क्या हो गया हमारे पास? कर्ण बटा
छोटी सी ट्रिक है, इससे आप आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना लाल बटा पक्का, और फिर उसके ऊपर ये जो सिक्स टर्म है उसको आप इसी सिक्वेंस में आपको लिखनी है। सबसे पहले जब हम थ्री टर्म निकालेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए। इसी प्रकार जब नीचे की टर्म निकालेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो ऊपर आएगी, तो ए बटा एल, के बटा ए और के बटा एल। तो ये आप इस टर्म से आसानी से ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको याद रख सकते हो आप। चलिए अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सारणी की। प्रश्न वाली छः पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी है त्रिकोणमितीय सारणी। अब त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे बनाएंगे इसको हम सीखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। एक्सरसाइज सिक्स को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी है त्रिकोणमितीय सारणी, क्योंकि इन्हीं से हम जो सवाल करेंगे इन्हीं से हम आपको देख कर वैल्यू रखनी है, फिर उस सवाल को क्या करना है सॉल्व करना है। तो त्रिकोणमितीय सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है। एक फॉर्मूला टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी प्रकार सेक थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा। ये दो आपको फॉर्मूले याद रखना है। टेबल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये दो फॉर्मूला है, एक तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा। फिर हमारे क्या है, जो हमने वो सिक्स टर्म पढ़ी है उसको ऐसे सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसको आप हमेशा ऐसे सीक्वेंस में लिखें, सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें हमारा क्या, साइन के काम यदि हम याद रख ले फिर भी हमारी टेबल बन जाती है, पर हमारे को याद नहीं रखना, क्योंकि मान लो कोई भी अगर वैल्यू आप भूल जाते हो तो फिर वो पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस टेबल को बनाने के लिए ट्रिक है, उस ट्रिक को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी जानकारी है उसको देखते हैं। जैसे जीरो का अंडर रूट क्या होता है, जीरो ही होता है। इसी प्रकार एक का अंडर रूट क्या होता है, एक ही होता है। अगर कहीं पर अंडर रूट में दो देर का हो तो दो का पूरा पूरा अंडर रूट नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अंडर रूट दो ही लिखेंगे। इसी प्रकार कहीं पर अंडर रूट तीन देर का, तो तीन का भी पूरा पूरा अंडर रूट होता नहीं, इसको हम क्या रखेंगे, अंडर रूट तीन ही रख देंगे। इसी प्रकार चार का अंडर रूट कितना होता है, दो होता है। ये टेबल बनाने से पहले ये बेसिक जानकारी जो मैं आपको दे देता हूँ, जीरो का अंडर रूट क्या होगा, जीरो। एक का अंडर रूट कितना होगा, एक। दो का पूरा पूरा अंडर रूट नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट दो ही लिखेंगे। इसी प्रकार तीन का अंडर रूट क्या होता है, पूरा पूरा नहीं होने की वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट तीन ही लिखेंगे। इसी प्रकार जो चार है, चार का अंडर रूट कितना हो गया, दो हो गया। टेबल बनाने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आप क्या करो, जीरो से लेकर चार तक नंबर लेते, जीरो, एक, दो, तीन और चार, और इन सब में किसका भाग दे देगा, चार का भाग दे देगा। और इन सब का आप क्या ले रहे, अंडर रूट ले रहे। इससे आपको साइन की जो वैल्यू है वो भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक से आप साइन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इधर देखिए, जीरो में यदि मैं फोर का भाग लगाता हूँ तो क्या आएगा, जीरो, और जीरो का अंडर रूट क्या हो गया, जीरो। तो साइन जीरो का मान कितना हो गया, जीरो। यहाँ पर देखिए वन अपॉन फोर है, इसको हम ऐसे अलग अलग भी लिख सकते, अंडर रूट एक बटा अंडर रूट चार। तो एक का अंडर रूट कितना होता है, एक, और चार का अंडर रूट कितना हो जाएगा, दो। तो साइन तीस का मान कितना हो गया, एक बटा दो हो गया। यहाँ पर अपने पास है अंडर रूट दो बटा चार, अंडर रूट दो बटा चार। तो ये दो के पहाड़ से एक बार और ये दो के पहाड़ से दो बार कट गया। अब हमारे पास कितना आ गया, एक बटा दो। यदि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं
एक का अंडर रूट कितना आ जाएगा एक, और दो का अंडर रूट पूरा पूरा होता है लेकिन इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे अंडर रूट दो ही लिख देंगे। तो ये साइन 45 का मान अपने पास क्या गया एक बटा अंडर रूट दो। अब साइन 60 की हम बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू दे रखी रूट 3/4, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। तो 3 का पूरा पूरा अंडर रूट होता नहीं इसको तो मैं क्या लिख दूँ अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो साइन 60 का मान कितना आ गया रूट 3/2। अब साइन 90 की बात करते हैं हमारे पास दे रखा है अंडर रूट 4/4, 4 में मैं 4 का भाग दूंगा कितना आएगा 1, और 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये जो साइन के मान आए उसको यदि हम उल्टा लिख देंगे तो वो किसके मान हो जाएंगे कोस के मान हो जाएंगे, तो इसको हम क्या लिख दें उल्टा लिख दें। तो 1 रूट 3/2, 1 बटा अंडर रूट 2, 1/2, और क्या आ गया 0। ये हमारे पास किसके मान आ गए कोस के मान आ गए। अब हम निकालेंगे टेन के मान। सबसे पहले हम बात करते हैं टेन 0, टेन 0 डिग्री। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो 0 में मैं 1 का भाग देंगा तो क्या आएगा 0, तो टेन 0 का मान कितना आ गया 0। आगे चलते हैं टेन 30, तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 बटा कोस 30 का मान कितना आ गया रूट 3/2। देखो ऐसे सॉल्व कैसे करते, माना कि ये मेरे पास a है और इसको मैं क्या मानूं b मानूं, यानी a बटा b, यानी a में मेरे को क्या लगाना b का भाग लगाना, तो ये 1/2 इसमें भाग लगाऊंगा मैं रूट 3/2 का। तो यहाँ पर ये भाग का चिन्ह हटेगा और गुणा का चिन्ह आएगा, हम छोटी क्लासों में करते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 का आ जाएगा नीचे, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया 1, और अपॉन में कितना आ गया रूट 3। तो टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। इसी प्रकार हम निकालेंगे टेन 45 की वैल्यू, टेन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। इसी प्रकार कोस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये कहाँ चला जाएगा रूट 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, रूट 2 से रूट 2 कट गया ऊपर 1, अपॉन में भी 1, 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आंसर। तो टेन 45 का मान कितना आ गया 1। टेन 60 की बात करते हैं, साइन 60 का मान हमारे पास कितना है √3/2, कोस 60 का मान कितना आ गया 1/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं √3/2 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ऊपर आ गया √3, अपॉन में आ गया 1। देखो अपॉन में यदि 1 बचे तो उसको लिखना जरूरी नहीं, अगर ऊपर यदि 1 आता तो उसको लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर इसकी जो टेन 60 का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब टेन 90 की हम बात करते हैं, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, कोस 90 की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक में यदि मैं 0 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा अनंत, इसे याद नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना किसी संख्या में यदि आप 0 का भाग लगाओगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा अनंत आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा अनंत। अब जो कोट की हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे उल्टा लिख देंगे, तो इधर हमारे पास क्या आ गया अनंत √3 1 1/√3 और 0। अब निकालनी है मेरे को sec थीटा की वैल्यू, तो sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या लिखा था 1/cos थीटा। sec 0 की वैल्यू निकालनी है, तो sec 0 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, 1 में आप 1 का डिवाइड लगाओगे कितना आएगा 1, तो sec 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब sec 30 की वैल्यू
वन बटा कोस तीस का मान, कोस तीस का मान कितना है, रूट तीन बटा दो, ये दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, एक गुना दो बटा रूट तीन, एक को दो से गुना करेंगे दो बटा रूट तीन, तो सेक तीस का मान कितना आ गया दो बटा रूट तीन। इसी प्रकार हम बात करते हैं सेक पैंतालीस की, एक कोस पैंतालीस का मान कितना आ गया एक बटा रूट दो, दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, दो को रूट दो एक से गुणा करेंगे, रूट दो को एक से गुणा करेंगे तो रूट दो बटा एक, अपॉन में एक बचता है तो उसको लिखना जरूर नहीं, तो ये सेक पैंतालीस का मान हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट दो। इसी प्रकार सेक साठ का मान निकालेंगे, कोस साठ का मान हमारे पास कितना है एक बटा दो, दो कहाँ चला जाएगा ऊपर बटा एक, दो एकम दो, दो में एक का भाग देंगे तो कितना आएगा दो ही आएगा, तो सेक साठ का मान कितना आ गया दो। अब हम निकालेंगे सेक नब्बे का मान, एक बटा कोस नब्बे का मान कितना आ गया जीरो, किसी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो क्या आएगा अनंत, तो ये हमारे पास क्या आएगा अनंत। अब कोस एक के मान हमारे को निकालना है तो इसको हम क्या लिख देंगे उल्टा लिख देंगे, ये आपकी टेबल पर है, तो आपको क्या करना है कि इस टेबल को रटनी नहीं है आपको, क्योंकि आप रटोगे तो भूल जाओगे, तो आपको बनाना आना चाहिए, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो एक दो बार आपको प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से बनाना सीखे। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे किए जाए, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न वाले छह के जो सवाल है उनको कैसे किया जाएगा। जैसे फर्स्ट सवाल हमारा कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, आपको ये सवाल करने, जब भी आपको ये सवाल निकालोगे तो आप क्या करोगे, रफ कागज होता है उसमें आप त्रिकोण की सारणी बना लेंगे और उसमें से देखकर ये वैल्यू पुट करें। मैंने आपको क्या बोला कि त्रिकोणमिति सारणी है उसको आपको याद नहीं रखनी है, आपको बनाना आनी चाहिए, क्योंकि आप याद की भी चीज़ हो सकता है कि दिमाग से निकल जाए और फिर सारे सवाल हमारे क्या हो जाए गलत हो जाए, क्योंकि किसी चीज़ को हम सीखते हैं तो सीखने के बाद हम भूलते नहीं, इसलिए आपको क्या करना उसको सीखना है। तो देखिए आप इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टू साइन 45 इंटू कोस 45, इन दोनों के बीच में जब आपको कोई चिन्ह नहीं दे रखा हो, इसका मतलब ये क्या है एक दूसरे से क्या हो गया गुणा हो गया, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है वो क्या हमारे पास टू साइन 45 कोस 45, इसको हम नाम करेंगे तो टू इंटू, अभी हमने टेबल जो बनाई थी उसमें हमारे पास साइन 45 का मान कितना आया था एक बटा अंडर रूट दो, इसी प्रकार कोस 45 का मान भी हमारे पास कितना आया था एक बटा अंडर रूट दो, तो यहाँ पर साइन 45 का मान कितना आ गया एक बटा अंडर रूट दो गुणा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या हो रही है गुणा हो रही है, तो कोस 45 का मान कितना आ गया एक बटा अंडर रूट दो, दो को मैं एक से गुणा करूँगा दो आएगा, फिर दो को वापस एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दो आएगा, अंडर रूट दो को अंडर रूट दो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा दो ही आएगा। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ये बेसिक और सीधा, कहीं पर यदि आपको अंडर रूट दो दे रखा है और उसका आपको क्या करना स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को उसी से क्या करनी है मल्टीप्लाई करना है, तो दो को मैं दो से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, क्योंकि हमने एक सीखा रूट ए गुणा रूट बी हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट ए भी लिख सकते, तो चार का अंडर रूट कितना हो गया दो, तो आपको याद रखना कहीं पर भी अगर आपको ऐसे दे रखे रूट दो का स्क्वायर दे रखा तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो टू लिख सकते हो, या फिर आपको ऐसे दे रखा रूट टू इंटू रूट टू, हम दो को दो जब रूट लगाओ और रूट के अंदर दोनों संख्या सेम हो तो वो रूट हट जाता है और केवल वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। इसी प्रकार कहीं पर जैसे रूट तीन गुणा रूट तीन दे रखा उसको हम केवल क्या लिख सकते हैं तीन लिख सकते हैं, क्योंकि रूट तीन को रूट तीन से गुणा करूंगा इस वाले से हमारे पास क्या आएगा नौ आएगा, और नौ का रूट कितना हो जाएगा
तीन हो जाएगा। इसी प्रकार कहीं पर जैसे अपने को दो लिखता हूँ, जैसे रूट दो गुना रूट दो को मैं अगर दो लिख सकता हूँ तो दो को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, रूट दो गुना रूट दो लिख सकता हूँ। इसी प्रकार कहीं पर अगर तीन लिखा इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, रूट तीन गुना रूट तीन लिख सकता हूँ। अगर क्यूब लगा हो कहीं पर जैसे मान लो कि रूट तीन का क्या आ जा रहा है, क्यूब आ जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रूट तीन गुना रूट तीन गुना रूट तीन। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी से कितनी बार करनी, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। रूट तीन को रूट तीन से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तीन। अब तीन को वापस रूट तीन से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तीन गुणा रूट तीन आ जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर रूट लगा हुआ नहीं, इसको हम ऐसा कैसा लिखेंगे, तीन गुणा रूट तीन। तो अब आप बात करते हैं इस क्वेश्चन को वापस चलते हैं, जिस दो को मैंने एक से गुणा किया कितना आया, दो। दो को फिर वापस एक से गुणा किया कितना आ गया, दो आ गया। अब रूट दो को यदि मैं रूट दो से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, रूट दो को यदि हम रूट दो से गुणा करते हैं, अगर रूट के अंदर दोनों ही संख्याएं सेम है और उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो वो रूट हट जाएगा और केवल वो संख्या आ जाएगी। उसका कारण क्या है ये मैंने आपको रीजन बता दिया। तो ऊपर आ गया अपने पास टू और अपॉन में भी कितना आ गया, टू। टू में मैंने टू का डिवाइड कर दिया कितना आ गया, वन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कोस 45 मल्टीप्लाई कोस 60 माइनस का साइन 45 गुणा साइन 60। इसको हम कैसे करेंगे, आपको ये मान त्रिकोणमित टेबल में से देख के लिखना है, तो आप अपने रफ कॉपी में जब भी इस सवाल को निकाले तो सामने एक त्रिकोणमित टेबल बनाते हैं और उसमें से देख देख के आप लिख दें। जैसे कोस 45, कोस 45 का मान हमारे पास क्या होता है, अभी पहले वाले सवाल में भी किया था हमने, क्या होता है, एक बटा अंडर रूट दो। इसी प्रकार कोस 60 का मान क्या होता है, त्रिकोणमित टेबल में से हम जाके देखेंगे तो एक बटा दो होता है। साइन 45 का मान क्या होता है हमारे पास, एक बटा रूट दो। इसी प्रकार साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, रूट तीन बटा दो हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, कोस 45 का मान एक बटा रूट दो गुणा कोस 60 का मान कितना हो गया, एक बटा दो माइनस साइन 45 का मान एक बटा रूट दो गुणा साइन 60 का मान कितना आ गया, रूट तीन बटा दो। एक को मैं एक से गुणा करूंगा क्या आ जाएगा, एक। रूट दो को अगर मैं दो से गुणा करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक को मैं एक से गुणा करता हूँ रूट बीस है, इसका आंसर क्या आएगा, एक गुणा रूट बीस। तो यहाँ पर देखिए दो पे रूट नहीं लगा हुआ और इस दो पे रूट लगा हुआ, इसको जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, दो गुणा रूट दो आ जाएगा। इसी प्रकार एक को मैं रूट तीन से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, तीन। दो को मैं रूट दो से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, दो गुणा रूट दो। इसका हम क्या ले लेंगे, लघुतम ले लेंगे। जब लघुतम में दोनों संख्याएं सेम होती है तो लघुतम क्या आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। हमारा लघुतम क्या आ गया, दो गुणा रूट दो। दो गुणा रूट दो में दो गुणा रूट दो का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक। एक को मैं एक से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक माइनस। फिर दो गुणा रूट दो को मैं दो गुणा रूट दो में भाग देंगा तो कितना आएगा, एक। एक को रूट तीन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट तीन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक माइनस का रूट तीन बटा दो गुणा रूट दो। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर सकते हो, इससे देखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड को कैसे किया, प्लस का टू कोस स्क्वायर 45
प्लस सात, ठीक है। साइन स्क्वायर तीस, तो साइन तीस की वैल्यू क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने बनाई है त्रिकोण की सारणी, उसमें से हम जाके देखेंगे तो साइन तीस का मान कितना होता है? टू सॉरी एक बटा दो, साइन स्क्वायर दो गुना कोस पैंतालीस का मान कितना हो जाएगा? एक बटा रूट दो का, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा दी, प्लस तीन गुणा टेन साठ का मान, तो टेन साठ का मान कितना होता है? रूट तीन का स्क्वायर। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे एक बटा दो का मैंने क्या करना स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या दे रही है उस संख्या को उसी से क्या करनी है? गुणा करना। तो स्क्वायर का मतलब एक बटा दो गुणा एक बटा दो, एक को एक से गुणा किया कितना आ गया एक, एक को दो से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा चार, तो यहाँ पर कितना आ गया एक बटा चार, प्लस ये दो गुणा में फिर एक बटा रूट दो का स्क्वायर लगाओ, इसका मतलब एक बटा रूट दो को एक बटा रूट दो से क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा किया कितना आ गया एक, रूट दो को रूट दो से गुणा करते हैं तो कितना आता है दो, यहाँ बता रहा है रूट दो को रूट दो से गुणा करेंगे चार आएगा और उसका आंसर क्या आएगा दो। आपको ये याद रख लेना सीधे कि जब रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम हो और उनके बीच गुणा का चिन्ह हो तब रूट हट जाएगा और वो संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी, इसका आंसर कितना आ गया एक बटा दो प्लस रूट तीन का स्क्वायर, मतलब रूट तीन को यदि हम रूट तीन से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास तीन आ जाएगा। देखो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है और संख्या यदि अपॉन में तो इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल यानी काट सकते हैं, दो से ये दो कट गया, इधर आ गया हमारे पास एक बटा चार प्लस यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया एक और तीन तरीका कितना हो गया नौ, एक और नौ कितना हो जाएगा दस, अपॉन में एक रखते हैं इसका लघुतम ले लूंगा वो कितना आ जाएगा चार, चार में चार का भाग देंगे कितना आएगा एक, एक को एक से गुणा करेंगे एक, एक का चार में भाग देंगे कितनी बार जाएगा चार बार, चार को दस से गुणा करेंगे चालीस, चालीस से एक कितना हो गया इकतालीस बटा चार, ये इसका आंसर है। ये आपके क्वेश्चन तीन हो गए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक था वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उनको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको हम हिंदी मीडियम वाला भी आसानी से पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी आसानी से पढ़ सकता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम तीन से आगे के सवाल करेंगे, जब तक आप इस टेबल को बनाएं और इन सवालों को सीखें।